हेलो बर्ड्स, ये रहा मस्तवर। गाइस, अगर आप किसान हो, देख गाइस, यहाँ पे खेत कर लेना भाई साहब। अगर आप इन पर दवाई छिड़कना चाहते हो या कुछ पानी स्प्रे करना चाहते हो कुछ भी, तो गाइस आपको मार्केट से स्प्रे मशीन लानी पड़ेगी, जो कि भाई बहुत कॉस्टली है। या सपोज कीजिए आपको बाइक वॉश करनी है, या आप शौक रखते हो घर में पेड़ पौधे लगाने का, अगर इससे स्प्रे करते हो भाई घंटों का भाई साहब। बाइक बाहर से दुला लाओगे, बहुत कॉस्टली, बाबा कैसे दुलवाओगे। तो गाइस आज मैं ऐसा जुगाड़ बनाने वाले भाई साहब, इतना सस्ता गाइस कभी नहीं आपको मिलेगा। गाइस आपने सोचोगा, हर चीज का प्राइस बताऊंगा कितने वो काम करने वाला भाई, यकीन मानिए आपने सोच भी नहीं होगा। घर में बना जुगाड़ इतने काम कर सकता है, सब चीज गाइस वो करेगा। प्लीज दोस्तों कंप्लीट वो अच्छी जगह चलेगा, चलते अपने टॉपिक पर। चलिए समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस ये है कैन, जो कि गाइस मैं 100 रुपए की लेकर आऊँ, और भाई ये 60 रुपए की मिल रही थी, मतलब इसमें लोकल भी थी हल्की वाली, मैं हैवी वाली लेकर आऊँ। तो गाइस मुझे से अपने लिए बनाना है ना, ये मल्टीपर्पज जुगाड़ होने वाला है। अब गाइस दिक्कत एक है कि देखिए ये हल्के बहुत है यार, है ना। अब भाई साहब रखोगे ठीक है, लेकिन भाई अगर आपने इसे पीठ पे टांगना चाहा, इस तरह से गाइस आपने देखा होगा खेतों में स्प्रे करते हैं ना, उस तरीके से, या भाई इस पर आप मोटर लाओगे पाइप लाओगे तो भाई ये खराब हो जाएगी, कहीं से भी लीकेज कर जाएगी। तो गाइस हमें एक धांसू जुगाड़ बनाना पड़ेगा जो भाई ये लंबा चले। तो गाइस मैंने कुछ लकड़ी के पीस काटे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये कुछ लकड़ी के पीस, और देखिए ये है 4 सूत का, ये जो प्लाई है ना, ये 4 सूत की प्लाई है। और भाई ये मैंने सिर्फ एक ही पीस, जो कि नीचे का बॉटम का है, जिसको ऊपर कैन रखी जाएगी, ये कैन है, इसको ऊपर ऐसा रखी जाएगी, बस ये एक पीस लिया है 4 सूत की प्लाई का, बाकी सब 2 सूत की प्लाई का है। तो गाइस हमेशा लाइट वेट बनाना है, हल्का बनाना है, इसके अंदर पानी भी जाएगा तो गाइस थोड़ा वेट बढ़ जाएगा। वैसे ज्यादा नहीं, 10 लीटर की है, तो आप पूरा ना भर के थोड़ा भर सकते हो, 4-5 लीटर, इतना वेट नहीं होगा, बेफिक्र रहो। तो गाइस फटाफट इसका हम फ्रेम तैयार कर लेते हैं। तो भाई इसे थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ना पड़ेगा, हथौड़ी और हाथी का फेविकॉल। Yes! ये कुछ कील देख सकते हो, थोड़ी छोटी कील चाहिए भैया, ये जो 2 सूत की प्लाई है ये तो 4 सूत में आसानी ठुक जाएगी, दिक्कत यहाँ पाएगी भाई 2 सूत या 1.5 सूत की कैसे ठुकेगी। तो गाइस देखते हैं क्या होता है। गाइस ये एक आउटर बॉडी कंप्लीट हो गई है, जो कि गाइस इस कैन को प्रोटेक्शन देगा। और गाइस इसके जो कोने है ना, ये बिल्कुल प्लेन है। तो भैया यहाँ पर ये देखो नट बोल्ट, इसे छुएंगे भी नहीं, बिल्कुल टच भी नहीं होंगे, हल्का फुल्का सा है, कोई ज्यादा वेट है नहीं इसमें। अब इस पर आते भाई, हम इसे चिपकाएं कैसे। लेकिन गाइस इसे चिपकाने से पहले मैं इसमें पंप इसका फिट कर दूं, वरना गाइस काफी दिक्कत होगी। तो भाई इसके पंप पर आते हैं, बल्कि पहले पंप लेकर आते हैं। तो गाइस ये रहा भाई धांस वाला हाई प्रेशर पंप, वॉशर पंप या स्प्रे पंप, काफी इजी मिल जाता है गाइस। लेकिन मानिए अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करोगे, जो कि काफी लोग करते हैं, तो लगभग 600-800 का मिल जाएगा। लेकिन भाई सब ऑफलाइन डेली मार्केट से आपको सिर्फ 350 या 400 का मिल जाएगा, काफी चीप रेट में मिलता है। तो भाई साहब हम इसे कहाँ लगा सकते हैं, हम इसे यहाँ लगा सकते हैं, काफी मस्त जगह है, ये कैन से अलग रहेगा, मजबूती से इस पर चिपका भी रहेगा। पहले इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। ये रहा भैया 12 वोल्ट DC, और ये 3.5 एम्पियर मैक्सिमम 3.5 एम्पियर लेता है, बाकी उससे कम लेगा ठीक है। और भाई आप देख सकते हो प्रेशर है 0.8 MPa, जो प्रेशर होता है पानी को पास्कल में नापते हैं, और उसका फ्लो देख सकते हो 5 लीटर पानी 1 मिनट में फेंक सकता है। तो गाइस इस वाटर पंप को फिक्स करने से पहले आपको इसकी डायरेक्शन चेक करनी है। इसके अंदर एक मार्क है छोटा सा, जो इसका आउटलेट बताता है। तो सपोज कि गाइस मैं इस तरह से लटकाऊंगा अपने पीछे ठीक है, तो इसका जो आउटलेट है वो मेरे राइट हैंड की तरफ होना चाहिए, जिससे मैं आसानी चला सकूं। ये आप छोटा सा एरो देख सकते हो जो मार्क है चिन्ह, ये आउटलेट, यहां से पानी निकलेगा, ये मेरे राइट हैंड की तरफ रहेगा। तो लीजिए गाइस पंप भी बहुत अच्छी तरह से लग गया है, कोई भी चीज कहीं नहीं जाने वाली, सब चीजें मजबूत करके लगेंगे, बेफिक्र रहो ठीक है। ये हो गया बढ़िया, और वैसे देखिए देखिए ऐसे लग जाएगा ना, नीचे का जो बेस है वो थोड़ा सा हैवी है, 400 की प्लाई है, और ये काफी हल्का है लाइट वेट। तो अब आते गाइस इसकी बैटरी पर, बैटरी का इस साइड लगाएंगे, सिंपल सी बात है। और गाइस बैटरी के काफी ऑप्शन है, देखिए आप लिथियम आयन लगा सकते हो, लेड एसिड लगा सकते हो, मतलब दुनिया भर की बैटरी आती भैया, कोई भी आप लगा सकते हो। चाहे तो गाइस आप इसमें डायरेक्ट ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, लेकिन ये कैरी करने के लिए पोर्टेबल होगा, तो गाइस इसमें सिंपल बात है 12 वोल्ट की बैटरी ही लगानी पड़ेगी। तो गाइस बैटरी लेकर आता हूं, मैंने बना रखी है। तो गाइस ये रही बैटरी, और गाइस ये SMF बैटरी, सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, लेकिन ये थी, आई एम सॉरी, मैंने
से खोल खाल के इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट की और गाइस ये लिथियम आयन बैटरी है और भाई ये 14 एम्पीयर की बैटरी है और गाइस काफी लाइट वेट है। इसके बारे में गाइस मैंने आपको बता दिया था पहले वीडियो बनाई थी। और गाइस अगर आप SMF लोगे सील्ड मेंटेन 3 बैटरी लो जो कि होती है UPS की उसमें 3.5 किलो तक वेट होता है। एक्चुअली गाइस मैं आपको उसका सारा का वेट दिखा दूंगा, फिलहाल तो मैं आपको खाली इसका वेट दिखाता हूँ। 1129 ग्राम ओनली। और गाइस यकीन मानिए वो 7 एम्पीयर की बैटरी होती है, ये 14 एम्पीयर की बैटरी है, उससे जस्ट डबल और वेट में आधी से भी कम। तो गाइस मैं इसे यहाँ लगा सकता हूँ। तो गाइस ये रही ग्लू स्टिक, भाई मैं इसे कैसे लगाता हूँ देखते रहो। तो गाइस ये भी काफी मजबूत लग गई है, बैटरी आसानी से बिल्कुल नहीं निकलेगी क्योंकि हमने हीट करके बिल्कुल मेल्ड करके जब चिपका है। अब इसमें कैन फिट करेंगे, लेकिन भाई उससे पहले बेल्ट। और गाइस एक बात हो, मैं आपको सब चीजों के प्राइस बताने वाला हूँ, तो प्लीज दोस्तों वीडियो बने रहे। कितने की पड़ी आपके हिसाब से, कितने की पड़ेगी वो सब हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो गाइस हम फटाफट की बेल्ट पर आते हैं। तो गाइस ये रही बेल्ट, और भाई ये सब चीज मैं कहां से लेकर आऊं, मैंने इसका ब्लॉग बना दिया है। हो सकता है ये कल सुबह 9 बजे डले, जब ये आज डली है तो कल आप जाके ब्लॉग देख सकते हो। तो गाइस आपको अंदाज जाएगा ये चीजें मिलती कहां से। हार्डवेयर की भी काफी अलग अलग टाइप की शॉप होती है, ठीक है। तो खैर इन्हें लगाते हैं भैया, और ये पट्टी रहेगी और गाइस ये काफी मस्त लगेगी। तो गाइस अभी से कैसे लगेंगे, बहुत सारे तरीके लगाने के भी, हम यहाँ पर नट बोल्ट ही लगाएंगे जिससे गाइस मजबूत रहे। नीचे वाला ये कुंदा है, इसे हम निकाल लेंगे इस कुंदे को। तो कैंची चलाना काफी मुश्किल है, फिर हम चला ही देगा। ही मैंने कर दिया काट कर, मैं कुंदा फंसा सकता था लेकिन नहीं, हम इसे लगाएंगे जिससे गाइस इसको हम छोटी या बड़ी कर सके। तो ऊपर से हम इसे फिक्स कर देंगे, नीचे से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। चलो गाइस मैं पहले इसे लगा देता हूँ। भाई इसमें होल ना करें, ड्रिल मशीन से सोल्ड लगा से करें। तो लीजिए गाइस टांगने सिस्टम भी बन चुका है और ट्राई करके देखते हैं। ये रहा भैया ऐसे और ये रहा ऐसे, लीजिए भाई मस्त और काफी कंफर्ट के साथ। तो भैया अब आते हैं इसकी कैन पर, सारे काम बढ़िया हो गए हैं। पहले इसके कनेक्शन कर देंगे, कनेक्शन कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, एक स्विच देना बस बीच में दोनों के। तो फिलहाल इसके कनेक्शन करके फटाफट भाई इसके कैन पर आते हैं। तो गाइस कनेक्शन कर दिए, बहुत इजी कनेक्शन है। देखिए जो मोटर का एक वायर है नेगेटिव, ये सीधा भैया बैटरी के नेगेटिव में लगा दिया। मोटर का पॉजिटिव ये रहा और बैटरी का पॉजिटिव दूसरा ये रहा। ये मैंने काले इसलिए लगाई सके ज्यादा चमके, देखो चल जा गए मस्त। और भाई इन वायर को मैंने ग्लू गन से चिपका दिया है। अब आते हैं गाइस फटाफट कैन चिपकाने पर। तो भैया सारा मसला ऐसे का है, लेकिन गाइस चिपकाने से पहले इसमें थोड़ा सा हम पानी भर लेंगे, वरना गाइस हीट होके खराब हो सकती है। ज्यादा नहीं थोड़ा पानी भरेंगे, लेकर आता हूँ। तो गाइस मैं लगभग 15-20% इसके अंदर पानी भरा है। अब गाइस प्रोसेस देख लेते हैं ये कैसे चिपकेगी। भाई थोड़ा सा चलाते अच्छे से जिससे गाइस जल्दी ठंडा हो जाए और ये हमारी कैन मेल्ट ना हो जाए, नुकसान हो जाएगा भाई 100 रुपए का। तो गाइस आई होप ये लग चुकी है, तो यहाँ लगाई नीचे और 4 पीछे अच्छे से मेल्ट करके लगाया, कहीं जाने की बेफिक्र रहा हूँ। और गाइस वैसे भी हम इसे कवर पे लगाएंगे, नीचे भी इसके सपोर्ट है और पीछे हमने चिपका दिया है, और कुछ करने की आपको इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा तसल्ली करनी हो तो थोड़ी सी ऊपर लगा लो जो कि मैं लगाने वाला हूँ। गाइस आप चाहो तो इसमें एक बेल्ट भी इस तरीके से लगा सकते हो, लेकिन भाई वो बिल्कुल अजीब लगेगी और ये भी कहीं नहीं जाने वाली। अब आते हैं भाई साहब इसके इनलेट पर, यानी गाइस इस पाइप को हमें स्कैन के अंदर लगाना है। पाइप ऐसा लगाना है जो इसकी तलीमाए, थोड़ा कम पानी भी हो तो भी चल जाए। तो पाइप लेकर आता हूँ। तो गाइस ये रहा पाइप, और भाई मैं इकट्ठा लेकर आ जाता हूँ हर चीज, काफी चीजें गंदी हो जाती है। तो भैया रख रहा का ये काफी गंदा हो गया है, खैर वो मैं साफ कर लूंगा, ये मेरा काम है। थोड़ा ही पाइप लगेगा क्योंकि इसका जो ये इनलेट है ये पाइप कैन के बिल्कुल पास है, यानी कैन की मिला हुआ है, तो थोड़ा ही पाइप का टुकड़ा लगेगा। ओ तार टच हो गए डर गया दीदी टर की। तो गाइस पाइप की लंबाई देख लेते हैं, ये मैंने लगा दिया है और हम पूरा हाथ भी आ कर लेना, इतना लंबा लगाऊंगा मैंने कहा, ज्यादा लंबा लगाऊंगा तो भाई साहब लटका रहेगा नीचे पैरों में, क्या फायदा। तो ऐसा कर लेते हैं, हाँ इतना ठीक है, इसको गाइस हम फिर कभी काम बेलेंगे। चल गाइस मोहब्बत से रख देते हैं साइड में। तो गाइस फटाफट भैया पाइप को भी धोते हैं निकाल के,
भाई अगर ये स्कैन में लगा देते ना, निकालने में लगाने में ये कैन बेकार हो जाती है। ठीक है, तभी पाइप लगा रहा है तो बिल्कुल मस्त है। तो भाई पाइप धोकर आता हूँ पहले। तो गाइस मैं दोनों पाइप धोकर आ गया हूँ, बाहर बजाना पड़ता तो भाई एक बार ही कर दिया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटा है जो इसके अंदर ही नीचे पड़ा रहे, और एक बात और ये रहा। तो गाइस ये अच्छे से टाइट कर देगा पाइप को, ये टाइट करने वाला है, मतलब कि हाथ से टाइट लूज कर सकते हो। वैसे इसकी जरूरत है नहीं, फिर भी मैं ये दो तीन लेकर आ गया तो इन्हें लगाता हूँ, वरना बिना इसके भी आता है। तो भाई इसे यहाँ लगाओ, और ये पाइप इसी के लिए बना है। और ये पाइप मिलेगा गाइस आपको जहाँ पर गैस चूल्हे का सामान मिलता है ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा गैस चूल्हा, समझ रहे हो। ये भाई मुझे लगता है कि इसमें नहीं लगेगा शायद। और मेरा फोन आ गया है, किसकी कॉल है? ओ कूतरे साला, देख के नंबर डाल कर। बैंक वाले कॉल करते ने मेरी ऐसी के तैसे मार रखे सर, 5 लाख का लोन ले लो, 2 लाख का ले लो, 7 लाख का ले लो। अबे इतने में क्यों रहा है? 100-150 करोड़ का दो ना यार, कम से कम जाती भग भी जा, वीजा मान लेके तेरे, बल्कि 100-150 भी कम है, 10-20 करोड़ का तो कम से कम। भाई कोई बैंक वाला देख रहा था भाई साहब, कॉल मत करो, माफ करो यार। जो बात है भाई, सारी भड़ास मैंने इस पे निकाल दी। इसे गाइस मैंने अच्छे से टाइट कर दिया भाई, ये काफी अच्छी चीज है, अच्छा भी लग रहा है, पीला पीला। अब गाइस इसके अंदर होल करना है, और भाई ये इस तरीके से ऐसे पड़ा रहेगा। थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा काटा है जिससे कहीं टकराए भी ना। तो भाई इसमें करते फटाफट होल, थोड़ा देख के होल करेंगे। और भाई अंदर एक बार झांक के देख लेता हूँ। गाइस बिल्कुल तली में पड़ा भाई साहब, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख रहे हो बरखोदार, बिल्कुल भाई साहब उदास सा नीचे पड़ा है ना। तो गाइस यहाँ मैं लगाने वाला हूँ भाई साहब एरलडाइट। ये है भाई साहब एरलडाइट क्लियर, ये सी से नहीं के से स्टार्ट होता है क्लियर। ठीक है, तो ये 5 फुट में सेट हो जाता है। ये गाइस पाइप मैंने इतना फिटिंग का लगाया है, ये काम कर जाएगा, अगर लूज होगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस आपको ये फिटिंग का ही लगाना है। और भाई ये कोई भी इतना सा भी प्रमोशन नहीं है भैया, जो मर्जी आप लेकर आ जाओ। ठीक है, तो इसे जो ना मैं ज्यादा ही खोलूंगा थोड़ी सी। तो भाई मोहब्बत से लगा देते हैं, किसको जुकाम हो रहा है। थोड़ा ऊपर लगाएंगे, नीचे तो अपना भी चली जाएगी, देखो जैसे जा रही है। ओए ना जाओ, ऐसे कर लेंगे ऐसे थोड़ा सा है ना, जिससे भाई ये ना जाए। तो गाइस ये मस्त सूख चुका है। वैसे गाइस थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, तो मैं सोचा कि भाई नहा लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, बाल वाल कटवा लेता हूँ, हल्की फुल्की कटिंग करवा ली। और भाई इतने भाई से भी अच्छे से सूख भी गया, क्या मस्त सूखा है बॉस, जैसे भाई कभी था ही नहीं। तो चले गाइस फटाफट से दूसरा पाइप लगाते हैं जो कि आउटलेट वाला है। तो गाइस अब यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ, तो जाली ने बोली हाँ अब ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो भाई ये स्प्रे गन, और ये खाली मिस्ट वाली है, मतलब पिचकारी मार देगी, बारीक बारीक होते हैं ना बिल्कुल हल्की हल्की सी मिस्ट, आप समझ रहे हो, या पिचकारी मारनी हो तो गाइस आपके दोनों काम कर देगी, मतलब कि बाइक भी धो देगी और पेड़ पौधों में आराम से छिड़काव भी कर देगी। ये गाइस सारे काम कर लेगा, काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे देखिए मिस्ट एरा, फुल कॉन, सेंटर, फ्लैश और शावर और जेट। देखिए ये ऐसे घूम जाता है, पहले हम इसे लगाएंगे, अगर बाई चांस मेरी करंट पूरी नहीं तो मैं इसे भी लगा सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ इसे यहाँ से चेंज करना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई ये भी खुल जाता है यहाँ से, बस ठीक है इसे लगाओ यहाँ से, ये चेंज कर लो, तो बहुत ईजी है भाई। तो गाइस फटाफट लगाते हैं, अभी तो फिलहाल इसे लगा लेते हैं। और भाई ये इसमें नहीं आ रहा, तो बढ़िया आ गया जो बात है। वैसे गाइस तेल की जगह आप पानी भी लगा सकते थे, क्योंकि तेल जो चिकना ही रहेगा पानी सोखने के बाद, देखिए अच्छे से टाइट हो गया है। और गाइस ये मुझे 100 रुपये का मिला है, मैं आपको बता दूं, और ये गाइस काफी हाथ से दूर है मेरे, ठीक है देखिए मस्त। गाइस अब आते हैं कि इसे ऑन ऑफ कैसे करें, भाई इसके साथ ऑन ऑफ होना चाहिए, वैसे भाई काफी सारे ऑप्शन हैं। तो गाइस हम इसके साथ लगाएंगे स्विच भी, जैसे हम इसे दबाएंगे स्विच भी काम करेगा और भाई ये भी काम करेगा। तो गाइस इसलिए वायर इस डायरेक्शन में लेकर हूँ पाइप की तरफ। तो गाइस पाइप पर मैं टेप लगाकर तार को रोक दिया है, और गाइस यहाँ तक हम इसे कट कर देंगे। और भाई यहाँ पर हम एक स्विच लगाएंगे, तो भाई स्विच हैवी होना चाहिए, कम से कम 3 एम्पीयर का तो होना चाहिए, और गाइस लिमिट स्विच हो तो और अच्छी बात है। ये लिमिट स्विच है, कटाक कटाक, और भाई ये है 5 एम्पीयर 250 वोल्ट, और भाई स्विच थोड़ा सा ऐसे कर लो जो ऊपर से दब जाए। तो गाइस ये मस्त सूख चुका है, और देखिए देख रहे हो इसे दबाती है मस्त, और थोड़ा ज्यादा दबा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अभी थोड़ा गीला है जो ग्लू स्टिक है, ये थोड़ी सूख जाएगी। अब गाइस ये तो हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट, अब इसमें एक काम और बाकी है, वो आपको पर है, आप लगाओ या मत लगाओ। देखिए यहाँ पे जो प्लाई है, वैसे गाइस यकीन मानिए बिल्कुल भी नहीं चुभ रही, मैंने पहना है बिल्कुल भी नहीं चुभ रही, लेकिन ऐसा हो सकता है जो इस पे लोड रहेगा या आप काफी देर तक इसे पहन रखोगे तो गाइस हो सकता है काउंट पर थोड़ी सी लगे। तो गाइस इसके लिए मैं सोच थोड़ी सी फॉर्म लगा दूं बस, उसके बाद भाई सब मजे आ जाएगा इसमें।
तो गाइस इसी में लेकर आऊं गद्दे में से काट के। तो भैया ये 4 इंच का फोम है, तो गाइस हम इसे लगाएंगे। और भाई ये 1 इंच में है, ठीक है, मतलब 1 इंच मोटा है, तो भाई हम इसे यहाँ लगा सकते हैं थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, 2 पार्ट लगा देंगे। तो भाई चिपकाने तो बहुत ईजी है, आराम से सोल्यूशन लगाओ और चिपका लो। तो लीजिए गाइस ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, और आप चाहते तो इसको कलर भी कर सकते हो, वैसे गाइस कोई खास जरूरत है नहीं, और ये काफी अच्छा गुदगुदा सा लग रहा है। तो भैया पहले से पहन के देखते हैं कैसा फील हो रहा है। वैसे गाइस आराम से आप इसे पहन सकते हो। ये रहा भैया बाजू में डाल ली। ओ भाई ये पूरा 360 घूम गया ससुर, अरे वाह। और गाइस ये मैंने काफी मजबूत पट्टी लगाई है, बोल्ट लगा वो भी 2 नीचे 2 ऊपर भाई साहब। ओह ये चल जाता है। अब गाइस में पानी डालेंगे और टेस्टिंग करेंगे, उससे पहले इसकी कॉस्ट जान लेते हैं। काफी लोगों को इंतजार होगा इसका कि कितने कितने की क्या क्या चीज आई है। देखो गाइस 100 की भी आती है, 60 रुपए की भी आती है, मेरे लोकल में आई थिंक वो 50 की भी होगी, कहीं पर 70 की भी होगी। 100 रुपए की कैन होगी, 400 रुपए का मोटर लेकर आऊ मैं डेली मार्केट से, 100 रुपए की गन लेकर आया हूँ। पाइप तो आई थिंक ये 15-20 मीटर मिलता है, तो गाइस 1 मीटर से भी कम ये पाइप है, ठीक है। आप कॉस्ट अपना आप करते रहना कितने की है। फॉर्म मेरे को फ्री मिली है, 1 मीटर पाइप लेकर चले ये भी लगेगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो हवा बढ़ जाएगी तो इसे निकाल देता हूँ, नहीं पिचक जाएगी कैन। अब इसके भी सोल्यूशन बताऊंगा गाइस। बैटरी मैंने कैसे बनाई है, मैं कैसे बनाता हूँ, अगर आप ब्लॉग देखते हो या मेरी कंटिन्यू वीडियो देखते हो तो गाइस मैंने इसमें लैपटॉप की पुरानी बैटरी यूज की है, जो गाइस काफी चीप मिलती है, 100 रुपए में 4 पड़ जाती है, 6 पड़ जाती है। तो गाइस आप कोई 12 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हो जो आपके पास हो, ठीक है, लेकिन हल्के लगाना। तो अगर लिथियम आयन बैटरी लगाओ तो गाइस काफी बेस्ट रहेगी, ज्यादा अच्छा बैकअप मिलेगा और सस्ती पड़ेगी। तो गाइस आप अपना कॉस्ट जोड़ लीजिए भैया कितने की बैठी, और गाइस प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई कितने की बैठेगी। एक चीज और गाइस पट्टी, ये पट्टी मैं 100 रुपए की लेकर आऊँ दोनों, और भाई अगर आपको इससे भी सस्ता जुगाड़ देखना हो तो स्कूल बैग आपके पास पड़ा होगा पुराना, उसकी पट्टी निकाल के यहाँ लगा सकते हो, वो फ्री का जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। इन सारे चीज लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करूंगा, अगर मिल जाए मुझे, ठीक है। पहले लोकल मार्केट में ही लेकर आना, वहाँ सस्ती मिलेगी, बाय चांस ना मिले कोई चीज तो आप नीचे दिए गए लिंक पर वहाँ जाकर बाय कर सकते हो, ठीक है। चले गाइस सारी बात होगी, एक बात और है भैया बैटरी को चार्ज कैसे करेंगे। गाइस ये 2 पॉइंट है, इस पर आराम से आप, मैं इसमें कोई सॉकेट नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास चिमटी है, क्लिप है, मैंने क्लिप से यहाँ पे लगाकर इसे बैटरी को चार्ज कर सकता हूँ। आप कोई 12 वोल्ट का डी सॉकेट लगा सकते हो, 5-10 रुपए का आता है। तो खैर गाइस योगा बिल्कुल कंप्लीट, अब चलते गाइस इसके अंदर पानी भरने और भाई फटाफट की टेस्टिंग करते हैं। चलते गाइस फटाफट टैप पर पानी भरने। तो भाई पटरा रख लेते हैं पटरा, ठीक है, और ये इसमें पानी भरते हैं। तो गाइस इसमें ये फायदा है कि आराम से आप इसमें पानी भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और भाई यकीन मानिए जब ये मैंने बनाया था उसके 1 हफ्ते बाद मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो भाई सोचो चलो टेस्टिंग कर लेते हैं, इतना और वीडियो बनी हुई थी तो वो डलती रही। मैं इसमें फिलहाल ज्यादा पानी नहीं भरूंगा, हाँ इसमें आधा भर दूंगा, हाफ भर दूंगा, जिसका आपको पता लग जाएगी। और इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है, बिल्कुल क्लियर विजिबल आपको होगा कि मैं कितना इसके अंदर पानी भरा जाए। एक्चुअल में कैमरा शायद आप ना देखो, लेकिन जैसे मैं सामने देख सकता हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी में देख पा रहा हूँ, मैं देखिए कितना पानी भर गया है। वैसे गाइस आप आराम से भर सकते हो, 10 लीटर को इतना हैवी नहीं होता। इसका जो कैप है ये पूरा टाइट ना करें, थोड़ा सा लगा लें गाइस मोटर हवा ले सके। भाई अभी से पहनते हैं, अरे वाह भाई काफी गद्दा गद्दा सा आ रहा है, गुदगुदा सा। और गाइस इसकी फिटिंग बहुत ही मस्त है, आई थिंक आपको पानी चमक रहा होगा, तो काफी मस्त है। और चले गए फटाफट टेस्टिंग करते हैं कि भैया ये जो हमारा स्प्रेयर है कैसा काम करता है। मेरे पास इतने सारे पौधे हैं, वैसे मैं गाइस किसान नहीं हूँ लेकिन मैं शौक रखता हूँ पौधे लगाने का। अगर गाइस आप घर में पौधे हैं भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए बनाना, ठीक है। फटाफट टेस्टिंग करते हैं भैया, पता नहीं किस पर आ सामने ईट रखी है, और भैया मैं यहाँ से मारूंगा देखिए। ओ देखा ओ भाई कितने दूर तक मार रहा है वो, लगो भाई 15 मीटर गाइस मेरे से दूर ही है। ये था भाई इसका जेट फंक्शन, जो गाइस इसमें देखिए यहाँ पर जेट है। अब भाई इसका थोड़ा सा ये है मिस्ट, ओह अरे वाह। चलिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ गाइस, क्या है मेरे पानी चमकना दिक्कत है, देखिए देखिए भाई बहुत बढ़िया। मैं इस पौधे को नहलाता हूँ, ठीक है, जो पौधा है इसको नहला आपको दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगी, ठीक है। ओ भाई साहब देखिए भाई यकीन मानिए मजा आ गया भाई, मैं अपने पौधों में इससे दवाई मारूंगा, कीड़े वड़े लग जाते हैं भाई चांस। और भैया स्प्रे भी कर सकता हूँ तो योगा मिस्ट का। अब भाई फुल, और ये फुल का देखते हैं क्या है। ओ ओ इसमें प्रेशर नहीं बनता, देखो जरा ये फुल में है कि देखिए ये प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, यह है कौन। ओ भाई देखिए, अरे वाह क्या फंक्शन में लाभ हो, देखिए पूरा पौधे को मैंने अच्छे से हिला दिया है, देखिए यार बहुत बढ़िया भाई। और ये है ठीक है, बहुत ही अच्छा फंक्शन है। और ये सेंटर, ओ भाई ये भी अच्छा फंक्शन है, जिसका हमें थोड़ा तेज प्रेशर से पौधे के ऊपर या पेड़ के ऊपर या जैसे आप खेतों में काम करते हो उसके ऊपर हमें पानी का स्प्रे देना है, आप आराम से इस फंक्शन से कर सकते हो। देखिए
अरे भाई साहब मजा ही आ गया जो बात है भाई। इसके अंदर इतने टाइप के स्प्रे हैं कि गाइस आप कुछ भी इससे काम कर सकते हो, इससे आप बाइक भी धो सकते हो अगर आप किसान हो, आपके लिए फायदेमंद है। यानी गाइस ये जो पंप है या ये गैजेट हमने बनाया, जुगाड़ ने बनाया, ये ऑल इन वन है। तो गाइस डेफिनेटली अगर आपके घर में पौधे हैं, जैसे गाइस मेरे घर में पौधे हैं और मुझे कम प्रेशर से मारना है पानी, तो मैं ये मार दूंगा। और मुझे ज्यादा प्रेशर से मारना है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है। तो गाइस चलिए ये तो हो गया, भैया किसान वाली बात है, आपके घर में पौधे हैं जरूर बनाइए। अब चल लेगा इस बाइक पर कि भैया वहां पर कैसा काम करेगा। तो गाइस मैं आपको स्कूटी धोके दिखाऊंगा, अभी फिलहाल गाइस मैं इस पर प्रेशर नहीं मारूंगा, पहले मैं थोड़ा सा गीला करूंगा इसे। ये था गाइस मिस्ट वाला ऑप्शन, अब मैं जेट करता हूँ। तो गाइस आपने देखा कितनी मस्त गाइस ने स्कूटी धोई है और बहुत अच्छे वॉशर है और स्प्रेयर भी है। तो गाइस मेरे पौधों में फिलहाल कीड़े लग रहे हैं, तो भैया मैं हमेशा नीम ऑयल हो गया, ये जो भी हो गया मतलब दवाई मेडिसिन प्रेफर करता हूँ। तो भैया मैं इसमें थोड़ा सा डाल देता हूँ, और भैया ऐसा लगाओ अच्छे से और बोतल को हिला दो, सारे कलर गाइस आपको आराम से पानी में चमक जाएंगे। कोई आप दवाई डालोगे तो हल्का सा पानी हल्का सा थोड़ा सा ग्रीन हो गया, क्योंकि आप जानते हो भैया ये नीम ऑयल है। तो भैया अभी से फटाफट मैं अपने पौधों मारता हूँ। तो गाइस जो घंटों काम है ना भाई वो मिनटों में हो जाएगा, तो इससे काफी टाइम बच जाएगा, मेहनत बच जाएगी, है ना भाई, टाइम इज मनी, तो टाइम बचेगा गाइस पैसे बच जाएंगे। तो गाइस यकीन मानिए भाई काफी खुशी मिली इस गैजेट का, मैं बहुत यूज करने वाला गाइस। वैसे मैंने पर्सनल यूज के लिए बनाया है, बहुत अच्छा प्रेशर है इसका और गाइस सस्ता है, पड़ता है, काफी स्ट्रॉन्ग भी है, कैन बिल्कुल सेफ्टी के साथ रखी है, कुछ नहीं होने वाला। तो गाइस आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा, तो प्लीज दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, और गाइस जरूर बताएं ये जुगाड़ आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।